गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास. इन आवर लास्ट क्लास यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. देर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओके, so the chromosomal disorder on the other hand are caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome. हमने म्यूटेशन में भी देखा था, क्रोमोसोम म्यूटेशन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम का नंबर, शेप या साइज चेंज होता है तब उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं. जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, आर कॉज ड्यू टू द अपसेंस, या तो अपसेंस हो जाएगी या एक्सेस ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का जब एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है या उनका नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तब उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लाइडी. एन्यूप्लाइडी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था क्रोमोसोम म्यूटेशन में, पॉलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी. पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, जब क्रोमोसोम नंबर का पूरा सेट एक इंक्रीज़ हो जाता है, तब पूरा सेट इंक्रीज़ होता है तब उसे पॉलीप्लॉयडी कहते हैं. एन्यूप्लॉयडी क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम होते हैं या फिर बढ़ जाते हैं तब उसको कहा जाता है एन्यूप्लॉयडी. इसमें क्या होता है, जब गेन होता है एन्यूप्लॉयडी, मतलब एक एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोसोम, वो किस वजह से होता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं सेल डिवीज़न के टाइम पे. लेकिन किसी भी वजह से जब वो अलग नहीं हो पाते, मीन नॉन डिसजंक्शन उसमें हो जाता है, तब क्रोमोसोम जो हैं एक ही गैमीट में दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं तब उसे एन्यूप्लॉयडी कहते हैं. इसमें लॉस भी हो सकता है क्रोमोसोम का और गेन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. जो ऑटोसोम है, ठीक है, 21 वाला जो ऑटोसोम है उसकी, उसमें एक कॉपी और आ जाती है क्रोमोसोम की, ट्रिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, तब उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम. सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब एक्स एक्स गैमीट बनते हैं, फीमेल का जो ओवम होता है उसमें एक्स और एक्स गैमीट आते हैं, तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक गैमीट में दोनों एक्स क्रोमोसोम आते हैं और दूसरे गैमीट में कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, मीन्स दोनों दूसरे गैमीट में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, एक्स जीरो कंडीशन आ जाती है. तो वो कौन सा सिंड्रोम कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, जब लॉस हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का. फेलियर ऑफ साइटोकाइनोसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज एज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म. साइटोकाइनोसिस क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, कैरियोकाइनोसिस आफ्टर दैट साइटोकाइनोसिस. पहले कैरियोकाइनोसिस होती है, मीन्स एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, फिर एक सेल से दूसरी सेल बनती है. तो इस टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनोसिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक पूरा क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है जिसे कि एन्यूप्लॉयडी कहते हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉयडी. दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट. पॉलीप्लॉयडी मोस्टली प्लांट में ज़्यादा दिखाई पड़ती है इन कंपैरिजन टू एनिमल. द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बींग इज 46 एज यू ऑल नो एंड 23 इन द पेयर. आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड वन पेयर इज क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स. समटाइम थो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल मे लेक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम. कभी कभी क्या होता है, या फिर रेयरली एक एडिशनल कॉपी जो है क्रोमोसोम की वो इंक्लूड हो जाती है किसी एक इंडिविजुअल में, या फिर एक पेयर जो है वो कम हो जाता है क्रोमोसोम का. दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी. ट्राइसोमी का क्या मतलब है, जब एक कॉपी बढ़ जाती है, मोनोसोमी जब एक कॉपी कम हो जाती है क्रोमोसोम की, तब उसे कहते हैं रेस्पेक्टिवली. सच ए सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल. ये जो सिचुएशंस होती हैं कि एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या कम हो जाना, ये बहुत क्या कहना चाहिए, जो ड्रेडफुल डिसीज़ है, ठीक है, ड्रेडफुल सिंड्रोम कॉज करती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इसके एग्जाम्पल हैं.
अब देखो जो करेक्टर्स हैं वो क्या है डाउन सिंड्रोम के, उसमें क्या होता है, पहली बात ये पूछी जाती है एमसीक्यू में, ये पूछा जा सकता है, यही इससे क्वेश्चन अराइज होगा कि डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, तो कौन से क्रोमोसोम की, तो ऑटोसोम के, ठीक है, ऑटोसोम के 21 वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, यही क्वेश्चन अराइज होगा और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, नलीसोमी से होता है, मोनोसोमी से होता है या किससे होता है, ये क्वेश्चन अराइज होगा एमसीक्यू में। द केस कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिव एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। 21 नंबर का जो ऑटोसोम है उसमें एक पेयर प्रेजेंट है, जब उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तब वो ट्राइसोमी कहलाती है, और डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम वाले नंबर की ट्राइसोमी से होता है। ये डिसऑर्डर इन्होंने डाउन ने लैंगडॉन ने डाउन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम अपने नाम पे दे दिया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, पाम इज़ ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। इसके करेक्टर्स क्या है, कुछ इस तरीके का जो बेबी बनता है, रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एंड करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस है, ठीक है, चपटा होता है फेस, फ्लैट बैक ऑफ द हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, बहुत सारे लूप्स होते हैं फिंगर के टिप्स पे, पाम क्रीज, ठीक है, छोटी सी हथेली होती है, बिग एंड रिंकल टंग, जो टंग जो होती है वो बाहर निकली हुई सी होती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़, तो ये सिम्टम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बेबी में या फिर ऑफस्प्रिंग में। देखो जो क्रोमोसोम, ये कैरियोटाइप दिखाया गया है क्रोमोसोम का, मैं पता है कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 3, 5, 10, 15, हाँ, तो जो क्रोमोसोम जिस नंबर का होता है उस हिसाब से उसका शेप हो सॉरी साइज़ होता है, ठीक है, तो पहले क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा होता है, जितना आगे जाते रहते हैं उतना ही साइज़ जो है वो छोटा होता रहता है, जैसे कि देखो 23 वाला साइज़ कितना छोटा है, ये वाला देखो ये छोटा है, ये कितना बड़ा है, तो फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम का पेयर है वो सबसे बड़ा होगा, 23 वाला सबसे छोटा होगा, ये हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47। इसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, उसमें भी बढ़ा लेकिन वो किस में बढ़ा, ऑटोसोम में एक इंक्रीजमेंट था। क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है एक, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का एक इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड, ये उसी की वजह से होता है, एक प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी एन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है जिससे कि कैरियोटाइप क्या हो जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है, एक्स एक्स वाई कंडीशन आ जाती है। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑल्सो डेवलप, मीन्स इसमें मेल फीमेल दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंडिविजुअल बनेगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाला, उसमें मेल करेक्टर भी होंगे और फीमेल करेक्टर भी होंगे। मेल करेक्टर इसलिए होंगे क्योंकि उसमें वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, फीमेल करेक्टर इसलिए होंगे क्योंकि उसमें दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इसलिए तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट भी होगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है, जिसमें फेमिनाइन, जिस फीमेल मेल में फेमिनाइन करेक्टर होते हैं उसे कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया, इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल आर स्टराइल, स्टराइल मीन्स दे कांट प्रोड्यूस बेबीज, सो दे आर स्टराइल। ऐसे ये डायग्राम बना, टॉल सेच्योर विद फेमिनाइज करेक्टर, ठीक है, पेनिस जो है वो डेवलप नहीं होता, स्ट्राइल होते हैं, ये मेल होते हैं लेकिन इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन ह्यूमन, क्लाइनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है। सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विद एक्स जीरो, एक्स जीरो एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। सच फीमेल आर स्टराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, तो ये जो फीमेल बनेगी तो फीमेल लेकिन रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी और ये स्टराइल होगी, फीमेल
जो होगी उसमें सेक्सुअल करेक्टर्स, अदर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स नहीं डेवलप होंगे। शॉर्ट सेचुअर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर, जो फेमिनाइन करेक्टर हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में, ठीक है। तो तीन जो हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से होता है, 21 ऑटोसोम की ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें जो रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, टंग बाहर निकली होती है, पाम फ्रीज प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा क्लाइनफेल्टर या लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी से होता है, एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है, गायनेकोमेस्टिया कंडीशन आ जाती है, मेल में फीमेल वाले करेक्टर आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन मेल जो होता है वो स्टराइल होता है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक। थर्ड है कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है जिसमें जो फीमेल बनती है उसमें जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, वो एक ही प्रेजेंट होता है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, एक्स जीरो कंडीशन पाई जाती है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसमें फेमिनाइन करेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो राइट द एनसीईआरटी क्वेश्चन इन द असाइनमेंट। Is there any doubt? Then you can ask me or comment me. So in our next video, I will discuss. We will start the chapter 6, which is, what is the chapter name? Let me. Molecular basis of inheritance. Okay, that is the chapter 6, molecular basis of inheritance, in which we will study about the DNA, RNA, structure of DNA, DNA replication, and protein synthesis, and so on. Okay. So, okay, thank you.